तो देखो भाई, इस वीडियो में बातचीत करेंगे आईसी का जो इनपुट वोल्टेज होता है बीसीसी, उसके बारे में। और कुछ पेंडिंग क्वेश्चन था, दो तीन लोगों ने मुझे पूछा था। तो बहुत अच्छा सवाल किया है आपने कि कोई भी आईसी का अगर रिक्वायर, मतलब बीसीसी इनपुट रिक्वायर, मतलब 5 वोल्ट है, अगर उसके जगह पे हम 4 वोल्ट डालें या फिर 6 वोल्ट डालें तो क्या हो सकता है, काम करेगा? अगर वोल्टेज ज़्यादा मिल रहा है या फिर आ रहा है या फिर कम आ रहा है वोल्टेज, तो फिर आईसी प्रॉपरली वर्क करता है कि नहीं, इसी के ऊपर आज का टॉपिक है। तो देखो, ये एक कॉमन बोर्ड है जो गीगाबाइट का 110, जो अभी मैंने रिपेयर करके इसको रखा है। तो थोड़ा सा डिटेल्स में बातचीत करेंगे, और जो बस सीखना चाहते हो वही ध्यान से देखो वीडियो को, क्योंकि ये छोटा सा लॉन्ग टाइम में मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, ये जो वीडियो होगा शॉर्ट टाइम में होगा, पर छोटा सा एक नॉलेज शेयर करके जा रहा हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वीडियो में रहो, ठीक है? तो देखो, अभी ये एक बोर्ड है 110 का। तो इस वीडियो का टाइटल क्या रखूँगा, बाद में डिस्कशन करते हैं। तो पहले देखो, ये मैंने टिगर दिया, बोर्ड अभी ऑन हो जाएगा। देखो, एक बार चल के ऑफ हुआ फिर ऑन हो जाएगा। देखो, ये देखो, और डिस्प्ले भी आएगा इसका। अच्छा, रैम का एरर है। चलो, ये रैम को हटाते हैं, ये एक दूसरा रैम लगाते हैं। तो दूसरा रैम लगा के फिर से पावर दे दिया, चालू हुआ। डिस्प्ले आया, बीप दिया, मींस डिस्प्ले इसका आ चुका है। तो बोर्ड में जो प्रॉब्लम था वो मैं बता रहा हूँ। बोर्ड में मतलब सीपीयू का जो एनेबल है पीडब्ल्यूएम का, वो बन नहीं रहा था। तो इस बोर्ड में एक कॉमन मॉस्फेट होता है, जो अगर ख़राब हो तो ऐसा होता है। तो देखो, अभी डिस्प्ले इसका है, और डिस्प्ले नो डिस्प्ले रीस्टार्ट, इसके बारे में बात नहीं करेंगे, तो डिस्प्ले दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी इसे हटा देता हूँ। तो अभी देखो, आईसी की रिक्वायर क्या होता है। अगर कोई भी आईसी हो, मान लो साउंड आईसी, आईओ, या फिर नेटवर्क आईसी, बायोस, पीडब्ल्यूएम आईसी, या फिर जो रैम कंट्रोलर आईसी है, ऐसी टाइप के अगर आईसी बोर्ड में मिले, तो डेस्कटॉप बोर्ड के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर यहाँ पर जो एक ओपाम है LM358 यहाँ पर रहता है। तो ये जो आईसी का बीसीसी इनपुट होता है, ये अगर देखो, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता दे रहा हूँ, एक आईसी के ऊपर दिखा रहा हूँ, और बाकी सारा एक ही ट्रैक पे काम करता है। तो बस समझ जाओ, कोई भी आईसी का अगर रिक्वायर बीसीसी, अगर मान लो 5 वोल्ट है, तो 5 वोल्ट रिक्वायर के जगह पे अगर आप 4 वोल्ट डाल रहे हो, तो वो आईसी काम कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। पर हर आईसी का क्या है, हर जो आईसी होता है उसका एक मतलब कैपेसिटी होता है। फॉर एग्जांपल मैं अभी बताता हूँ, जो आप घर पे एलईडी यूज़ करते हो, 8 वाट या फिर 10 वाट या फिर 20 वाट का जो एलईडी यूज़ करते हो, जो भी कंपनी का एलईडी आप यूज़ करते हो, तो जब आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी का वोल्टेज मतलब 200 रहता है या फिर 180 मतलब रहता है, तब भी वो सेम परफॉर्मेंस देता है। और जब आपके घर में वोल्टेज 220 या फिर 230 रहता है, 230 या फिर 220 रहता है, तब भी आपका एलईडी सेम परफॉर्मेंस देता है। ऐसा क्यों देता है? क्योंकि सर्किट, एलईडी का जो सर्किट होता है, लाइट का, हमारा बल्ब का जो सर्किट होता है एलईडी बल्ब का, उस सर्किट का डायग्राम कुछ ऐसे ही बनाया गया है कि अगर उसको 180 वोल्टेज भी मिले, मतलब 150 वोल्टेज भी मिले, तो भी वो सेम परफॉर्मेंस देगा, मतलब सेम जो मतलब फोकस, मतलब रोशनी, जो रोशनी वो डिस्ट्रीब्यूट करता है एलईडी, वो 150 वोल्टेज पे भी जो रोशनी डिस्ट्रीब्यूट करेगा, 230 वोल्टेज मतलब 220 या फिर 230 वोल्टेज पर भी वो सेम एलईडी मतलब सेम रोशनी डिस्ट्रीब्यूट करेगा।
तो ऐसा ही कुछ डायग्राम में होता है। तो देखो एक आईसी में छोटा सा वीडियो में समझा दे रहा हूँ, अब समझ जाओ। तो देखो इस बोर्ड में क्या होता है, बेसिकली अगर आपका सीपीयू हीट नहीं हो रहा है, मतलब कोर आईसी का एनेबल नहीं बन रहा है, तो इसी से मैं अच्छे से समझा पाऊँगा, बाकी मैं जाऊँगा तो आप भी नहीं समझ पाओगे और वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। तो छोटा सा एक प्रॉब्लम को छोटा सा सलूशन दे के अच्छे से समझा देता हूँ, ध्यान से समझ लो। अगर समझ जाओगे एक बार और अच्छे से समझा देता हूँ, 100% आप समझ ही जाओगे। और एक बार अगर समझ गया तो किसी ने भी आपको कभी कहीं पर भी क्वेश्चन किया तो आप आंसर तुरंत दे दोगे और आप पास हो जाओगे, मतलब आंसर आपका 100% सक्सेसफुल होगा। तो देखो अभी ये है हमारा PWM IC और इसका मतलब एनाबल जो है BCC कितना है, 5 वोल्ट है। तो 5 वोल्ट इसका एनाबल कहाँ से जाता है, इस बोर्ड में 110 के बोर्ड में ये जो IC है PWM IC इसका एनाबल जाता है यही एक MOSFET के थ्रू, जो कि ऑलवेज इसका ड्रेन में 5 वोल्ट होता है और गेट पे 12 वोल्ट होता है, मतलब हाई वोल्टेज जो सप्लाई होता है गेट, अगर हाई वोल्ट रहेगा तो ही इसका 5 वोल्ट यहाँ पर आएगा सोर्स पे, जो कि इसका सोर्स से 5 वोल्ट अगर जाता है तो ये IC एनाबल होता है, फिर जाके VRM सेक्शन काम करता है, बाद में जाके ये CPU को पावर सप्लाई देता है या फिर बोर्ड में डिस्प्ले आता है। तो ज़्यादातर देखा गया है, इसके ऊपर भी वीडियो दे के रखा है, जिसने नहीं देखा देख लो चैनल पे जाके। तो देखो ये एक MOSFET है, क्लियर नहीं हो रहा है, एक सेकेंड। तो ये एक MOSFET है जिसके वजह से हमारा 110 में ज़्यादातर प्रॉब्लम आता है, और भी 2-3 MOSFET के वजह से आता है, पर हमारा टॉपिक आज इसके ऊपर है, क्योंकि वोल्टेज हमारा जो IC का BCC है जो रिक्वायर्ड है वो कितने वोल्ट तक काम करेगा और कितने वोल्ट तक वो काम करता है। तो अभी देखो, तो अभी मैं क्या करूँगा, ये एक मल्टीमीटर का प्रॉप को ग्राउंड कर दूँगा, ये ग्राउंड कर दिया। अभी इसका ड्रेन पे एक सेकेंड, मल्टीमीटर को भी दिखना चाहिए, ये देखो मल्टीमीटर भी दिख रहा है। तो अभी देखो इसका ड्रेन पे अच्छे से समझा रहा हूँ, अच्छे से समझ जाओ और हेडफोन लगा लो, और फ़ोन कॉल्स आए तो फ्लाइट मोड कर दो जब वीडियो देख रहे हो, ठीक है। पॉज करके वीडियो देखने से आधा अधूरा रह जाता है जो भी देखते हो आप। तो देखो इसका BCC कितना है, मतलब इसका इनपुट कितना है, सॉरी इसका इनपुट कितना है, 5.01 वोल्ट। तो यही वोल्टेज यहाँ पर अगर ना आए इस MOSFET के थ्रू तो यहाँ पर कितना है, 4.97। तो क्वेश्चन अभी बना है कि यहाँ पर 5 वोल्ट है तो यहाँ पर 4.97 से ये बोर्ड डिस्प्ले क्यों दे रहा है, क्योंकि इसका तो एनाबल 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट मिलेगा तब जाके इसका एनाबल बनेगा IC का, तब जाके ये CPU काम करेगा, मतलब VRM सेक्शन काम करेगा, इसका कोर VDD बनेगा, फिर जाके डिस्प्ले आएगा। तो 4.97 वोल्टेज पे ये काम कैसे कर रहा है, तो क्वेश्चन मेरा यही है। तो देखो ये जो IC है इसका डेटा शीट देख लेना आप, ठीक है, स्कीमेटिक या फिर डेटा शीट इस IC का निकाल के। तो ये जो 5 वोल्ट इसका सप्लाई है, तो ये सप्लाई, ये जो IC मैन्युफैक्चर किया गया है, इसका जो लोड है मतलब कैपेसिटी है, वो यहाँ पर अगर आपका सोर्स पे मतलब 4.97 है अभी, 4.90 वोल्ट तक भी आए तो भी IC वर्क करेगा, मतलब 10 मिली वोल्ट तक कम या फिर 10 मिली वोल्ट ज़्यादा, मतलब 10 मिली वोल्ट ज़्यादा मीन्स यहाँ पर देख रहे हो 5.02, यहाँ पर 5. अगर 10 होता और यहाँ पर भी 5.10 आता तो भी IC काम करता, मगर 10 मिली वोल्ट से ज़्यादा अगर IC का रिक्वायर मतलब सप्लाई ज़्यादा आ रहा है तो फिर IC ब्लास्ट हो जाएगा, IC हीट हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, या फिर काम नहीं करेगा, IC ख़राब हो जाएगा, IC का ट्रैक जल जाएगा, बहुत सारा प्रॉब्लम आ सकता है। मगर 10 मिली वोल्ट अगर IC का रिक्वायर से कम या फिर ज़्यादा अगर वोल्टेज सप्लाई जा रहा है BCC में तो IC प्रॉपरली वर्क करता है। कभी कभार देखा गया है 20 मिली वोल्ट तक भी, 0.20 मिली वोल्ट तक भी ये काम करता है, कुछ कुछ IC, मतलब सब IC नहीं है, कुछ कुछ IC। तो अभी देखो और भी डिटेल्स में समझा देते हैं, मेरे नीचे एक लैपटॉप गिर गया है, एक सेकेंड में उठा लेता हूँ। तो अभी देखो सप्लाई कैसे बनता है ये भी समझना चाहिए, सिर्फ 9 मिनट हुआ है, 12 मिनट के अंदर वीडियो एंड हो जाएगा। तो देखो ये है इसका ड्रेन, कितना वोल्टेज है, 5.01, कितना वोल्टेज है ड्रेन पे, 5.01। तो एन चैनल MOSFET का गेट पे हर वक्त याद रखना
एन चैनल मॉस्फेट का गेट में, चाहे वो टीनी मॉस्फेट हो या वीएनएम सेक्शन का बड़ा वाला मॉस्फेट हो, अगर हाई वोल्टेज मिलता है तो ही ये वोल्टेज डायरेक्टली कैथोड होके यहाँ पर सोर्स पे आता है। मॉस्फेट के बारे में एक वीडियो मैंने शायद बना के रखा है, हाँ मैंने बना के रखा है एन चैनल पी चैनल मॉस्फेट का, तो देख लेना वो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कितना वोल्टेज है, ध्यान से देखो, 5.01, सोर्स पे कितना है 4.97। अगर मैं ट्वीजर से या फिर जम्पर वायर से 5 वोल्ट ही यहाँ पर दे दूँ तो भी काम चलेगा, अगर मैं 5.10 वोल्ट भी सोर्स पे डाल दूँ तो भी ऐसी काम करेगा, मतलब 10 से ज़्यादा अगर मैं दे दूँ, 20 या 30 दे दूँ, 30 मिली वोल्ट्स में इनपुट कर दूँ, तब जाके ये आईसी हीट होना चालू हो जाएगा या फिर काम नहीं करेगा, वीएनएम सेक्शन एक्टिव नहीं होगा, आईसी मतलब गलत दिशा पे डायरेक्शन करेगा ये आईसी, क्योंकि इसका जो लोड का कैपेसिटी है ये सभी आईसी में है, आयो में भी है, आयो का भी जो जो पिन बीसीसी में है 3.3 जितना भी वोल्टेज आता है, अगर उससे 10 या फिर 15 मिली वोल्ट ज़्यादा या फिर कम आए तो भी बोर्ड चल जाता है, रन कर जाता है, डिस्प्ले आता है, मगर 20 से ज़्यादा मतलब 15 से ज़्यादा या फिर 20 कुछ कुछ जगह पे आपका थोड़ा सा कम ज़्यादा ज़्यादा मिलेगा, और भी 5 मिली वोल्ट ज़्यादा कम मिल सकता है। पर देखो ये जो गेट है इसका, देखो इसका गेट का सप्लाई क्या है, 12.22, तो 12.22 इसका गेट का सप्लाई आ रहा है। अगर इस गेट में मैंने 12.22 के जगह 12.33 वोल्टेज इनपुट कर दूँ, मतलब डीसी पावर सप्लाई से, तो ये जो यहाँ पर 5.1 वोल्ट देख रहे हो ये वोल्ट सोर्स पर भी मिलेगा, 4.97 के जगह 5.1 आ जाएगा, मतलब गेट पे मॉस्फेट का ड्रेन से सोर्स में कितना वोल्टेज आएगा वो डिसीशन कर, मतलब वो तय करता है गेट। अगर ये गेट को मैंने 0 वोल्ट कर दिया तो ये जो 5 वोल्ट है यहाँ पर नहीं आएगा, सोर्स पे नहीं आएगा, गेट पे ही पड़ा रहेगा। तो मैं बस यही समझना चाहता हूँ, मॉस्फेट का एन चैनल मॉस्फेट अगर हो आपका, एन चैनल मॉस्फेट ही है ये, तो एन चैनल मॉस्फेट के ऊपर ही बोल रहे हैं हम, तो एन चैनल मॉस्फेट का ड्रेन पे जितना रिक्वायर है वो अगर सोर्स पे सेम नहीं मिल रहा है, मतलब 5 वोल्ट है गेट पर ड्रेन पे, तो सोर्स पर अगर 2 वोल्ट या फिर 1.8 वोल्ट आ रहा है, तब भी जाके आप मल्टीमीटर से इसका गेट चेक करो, तो देखो गेट पे 12.22 वोल्ट या फिर 12 वोल्ट नहीं आएगा, तो आप समझ जाओ कि उस टाइप के केस में आपका मॉस्फेट ख़राब नहीं है, मॉस्फेट में गेट का जो सप्लाई है और ये सप्लाई जहाँ से आ रहा है वही से ही कुछ दिक्कत है, और ये एक रजिस्टर होके आता है, पुल अप रजिस्टर होके आता है, और भी 2-3 रिक्वेस्ट है पुल अप और पुल डाउन रजिस्टर के बारे में एक वीडियो बनाने का, तो देखो भाई इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा, पर थोड़ा सा समझा देता हूँ। पुल अप रजिस्टर जो है, ये जो 5 वोल्ट आप देख रहे हो ये किसी पुल अप रजिस्टर से, अगर ये जो रजिस्टर है, मतलब मान लो ये एक रजिस्टर है, इसके मतलब क्या बोलूँ मैं, इन में जहाँ से वोल्टेज पास करवा जाएगा, मतलब बीसीसी में अगर 5 वोल्ट डाला जाए तो वो 5 वोल्ट आउटपुट से ये मॉस्फेट के ड्रेन पे आए, तो ये हो गया पुल अप रजिस्टर, मतलब किसी भी वोल्टेज को रजिस्टर के थ्रू किसी डिवाइस पे या फिर किसी आईसी पे ट्रांसफ़र किया जाता है तो वो ही होता है पुल अप रजिस्टर, और उसी वोल्टेज को अगर किसी आईसी को, मतलब वोल्टेज को ग्राउंड जहाँ जहाँ होता है, लैपटॉप में ज़्यादातर कौन से वाटा, डेस्कटॉप में भी आता है, तो अगर वोल्टेज को ग्राउंड किया जाता है तो जो रजिस्टर वहाँ पर यूज़ होता है उसे पुल डाउन रजिस्टर बोलते हैं, और जो रजिस्टर से वोल्टेज को पास किया जाता है, मतलब वोल्टेज को सप्लाई किया जाता है, उसको पुल अप रजिस्टर बोलते हैं। तो इसके ऊपर डिटेल्स में एक 20 मिनट्स का वीडियो अगर बना दिया तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा सबका। तो देखो, तो टॉपिक हमारा ये है, तो अभी देखो क्या है इसमें, 5 वोल्ट है ड्रेन पे और सोर्स पे कितना वोल्टेज है 4.97, तो इससे क्या होगा, आईसी काम करेगा, और यहाँ पर अगर 4.97 के जगह 5.10 वोल्टेज आता है तो भी आईसी काम करेगा, पर 15 या फिर 20 आए तो आईसी के रिक्वायर के हिसाब से वो काम कर भी सकता है, नहीं कर भी सकता है, वो जो मैन्युफैक्चर वाले जो मदरबोर्ड मैन्युफैक्चर करते हैं, वो जो इंजीनियर उनका काम करते हैं, उसको ज़्यादा पता है कि कौन सा आईसी में कितना लोड देने से होता, उसी हिसाब से आईसी मैन्युफैक्चर होता है,
क्योंकि हर बोट के लिए अलग अलग आईसी मैन्युफैक्चर किया जाता है वो इंजीनियर के ऊपर डिपेंड करके। तो देखो अभी यहाँ पर अगर हम ट्वीज़र से शॉर्ट भी कर दे, मतलब 5 वोल्ट भी इनपुट कर दे, तो भी ये हमारा बोर्ड ऐसे ही चलेगा। फैन तो चल रहा है देख सकते हो, ये देखो ऐसे ही चलेगा। और एक सेकेंड कीबोर्ड पे दिखा देता हूँ थोड़ा सा। तो अभी देखो एक सेकेंड, ये देखो कीबोर्ड पे इस पर डिस्प्ले है, अभी दिखाता हूँ। यहाँ पर कीबोर्ड रखता हूँ, ये देखो ब्लू लाइट जल रहा है और मल्टीमीटर भी थोड़ा सा फॉलो करो। एक सेकेंड, ये देखो ये मैं अगर 5 वोल्ट डायरेक्ट डाल रहा हूँ, 4.97 की जगह 5 वोल्ट भी दे दिया तो भी बोर्ड पे डिस्प्ले है। और यहाँ पर गेट पे अगर मैं और भी वोल्टेज बढ़ा दूँ और यहाँ पर 5 वोल्ट की जगह 5.10 वोल्ट भी आ जाए तो भी आईसी काम करेगा। तो देखो मुद्दे बात यह है कि आईसी के जो रिक्वायर होते हैं उसी के हिसाब से आईसी काम करता है। पर कितना, अगर मैक्सिमम वोल्टेज हो तो 10 से 15 मिली वोल्ट तक वो ऑब्जर्व कर सकता है, अगर कम हो तो भी 10 से 15 मिली वोल्ट तक कम वो मतलब एडजस्ट कर लेता है। मगर उससे भी कम आ जाए तो यहाँ पर अगर 4 वोल्ट आ जाता है, मतलब यहाँ पर अगर 4 वोल्ट आ जाता है तो यहाँ पर अगर 4 वोल्ट आ जाता है तो आईसी काम नहीं करेगा। तो 4.96 है तो काम कर रहा है, और इसके जगह 5.10 हुआ तो भी काम करेगा सोर्स पे। और अगर 4 वोल्ट आ जाता है तो आईसी काम कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, पर हर आईसी का एक एक रिक्वायर होता है अलग अलग। तो मैं बस यही समझना चाहता था, पर वीडियो कितना मैं क्लियर कर पाया मुझे खुद भी पता नहीं। पर आप लोगों को थोड़ा सा भी समझ में आया है तो भाई कमेंट करो, और समझ में नहीं आया है तो भी कमेंट करो। ट्राई करेंगे और एक बोर्ड के ऊपर और किसी आईसी के ऊपर डिटेल्स में समझाएंगे अगर समझ में नहीं आया तो। तो वीडियो इतना ही एंड करते, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। लव यू ऑल, जय हिंद।